दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1664 वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए खास बात ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, बिना परीक्षा के भर्ती है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रेलवे सीधी भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे के अंतर्गत भर्ती निकली है। ACET अप्रेंटिस के लिए 1664 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 जुलाई 2022 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 अगस्त 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 अगस्त 2022 है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर इसमें बात की जाए तो जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस है। SST PWD और वोमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। RRC प्रयागराज.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। जी दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अप्रेंटिसशिप ACET अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 28 जून को। 2/7/2022, 2 जुलाई से 1/8/2022, 1 अगस्त 2022 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सभी यहीं पर प्रोवाइड करा दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हो। RRCPRYJ.org पोर्टल से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात की जाए तो 15 से 24 वर्ष है। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। बात अगर एज रिलैक्सेशन की जाए तो SC ST OBC के लिए अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर आयु सीमा में आपको छूट दी गई है और 3 साल की OBC के लिए है। PWD के लिए भी 10 साल की आयु सीमा में रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह बात अगर यहाँ पर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास पास, SSC यानी कि 10th क्लास पास कैंडिडेट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम से इसके बराबर 50% अंकों के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में ITI ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा गया है NCVT या SCVT से। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उससे आपका यहाँ पर इसमें ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पर सभी ट्रेड आपको प्रोवाइड करा दी गई, जैसे कि फीटर, वेल्डर, साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रॉल करते हुए सभी ट्रेड की पूरी टेबल दी गई है। उसी तरह यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस की डिटेल दी गई है, फॉर्म फीस की। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दी गई है कि सिग्नेचर फोटोग्राफ आपको कितने KB में और कैसे अपलोड करने होंगे, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। बात अगर यहाँ पर वैकेंसीज की जाए तो यहाँ पर स्लॉट
डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो प्रयागराज डिवीजन के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल देख सकते हो 364 यहाँ पर वैकेंसीज है। यूआर ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए ट्रेड वाइज दी गई है, जैसे कि टैक फीटर, टैक वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर सभी के लिए आप वीडियो को पॉज करके वैकेंसी चेक कर सकते हो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत टोटल 339 है, झांसी डिवीजन के अंतर्गत देख सकते हो 480 है, इसी तरह वर्कशॉप झांसी के लिए 180 है, साथ साथ आगरा डिवीजन के लिए भी देख सकते हो टोटल 296 है। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में वैकेंसी से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी दोस्तों, स्टेप वन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर यह सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपको आईटीआई ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद में कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर इसमें फिलअप करना होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा, कम्युनिटी पीडब्ल्यूबीडी, ई एक्सेसमेंट, डेट ऑफ बर्थ, आयु सीमा के साथ में आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, इसी तरह मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपको रजिस्टर नो की स्टेप पर क्लिक करना होगा। स्टेप पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर ओपन हो जाएगा जो आपको कंप्लीटली फिलअप करना होगा ध्यानपूर्वक। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हुए फॉर्म फिलअप करना होगा, और बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, RRC NCR प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।